नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। दिव्यांगजनों के लिए खबरों के इस खास बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। ये स्पेशल बुलेटिन उन लोगों के लिए है जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते। तो चलिए शुरू करते हैं दिव्यांगजनों के लिए स्पेशल न्यूज बुलेटिन। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। औरंगाबाद में एक मालगाड़ी ने आज सुबह 5:15 पर करीब 16 प्रवासी मजदूरों को कुचल डाला। इस हादसे में सभी 16 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 5 मजदूर घायल बताए जा रहे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि ये हादसा औरंगाबाद के जालना रेलवे लाइन के पास हुआ है। सभी प्रवासी मजदूर महाराष्ट्र से पैदल ही अपने घर मध्य प्रदेश जा रहे थे। थकान अधिक होने के कारण ये सभी ट्रेन की पटरी पर आराम करने के लिए रुक गए और इसी दौरान ये सभी मालगाड़ी की चपेट में आ गए और इनकी इस हादसे में मौत हो गई। आप रेलवे ट्रैक पर बिखरी इन रोटियों की तस्वीर देखिए। सोचिए कैसे रात को ये मजदूर इन्हीं रोटियों को खाने के इंतजार में होंगे, लेकिन पीछे से आ रही ट्रेन ने उन्हें कुचल डाला। रेलवे लाइन पर मजदूरों की रोटियां बिखरी हैं। रेलवे लाइन से मजदूरों की डेड बॉडी हटाई जा चुकी है, लेकिन दर्द के सैलाब की बात करें तो अभी भी पटरियों पर बिखरे हुए हैं। प्रवासी मजदूरों के पर्स से उनके घरों का पता चला। अभी भी कुछ नोट भी पटरियों पर बिखरे हुए हैं। लॉकडाउन में ये मजदूर काफी दिनों से थे। जब पेट की भूख सताने लगी तो घर की तरफ रवाना हो गए। इन्हें क्या पता था कि जिन पटरियों के सहारे वो घर जाने की कोशिश कर रहे हैं, वही ट्रैक उनके लिए काल बन जाएगा। बहुत ही अनफॉर्चुनेट तरीके से 16 मजदूरों की डेथ हो गई है। 5:15 यहाँ से जो कैरियर ट्रेन गुजर रही थी उसके नीचे वो लोग अनफॉर्चुनेटली आ गए हैं। उनमें से एक इंजर्ड है, वो हॉस्पिटल में है। 4 लोग जो थोड़ा दूर बैठे थे उनकी हम पूछताछ कर रहे हैं और वो थोड़ा सा सदमे में है, तो उनसे बाकी सारी चीज़ें वेरीफाई करना और वो कहाँ से आए, कैसे निकले, वो सब करना अभी हमारी प्रोसीजर चालू है। कितने मजदूर की डेथ हुई है अभी तक? उसमें 16 मजदूरों की अनफॉर्चुनेट डेथ हो चुकी है, एक आदमी इंजर्ड है। मैम कहाँ जा रहे थे मैडम? ये लोग जालना से निकले थे, ऐसा जो आदमी अभी बचा है उन्होंने ऐसा बताया है। वी आर वेरीफाइंग दैट। और वो बोले कि वो भुसावल जाना चाहते थे, जहाँ से वो ट्रेन पकड़ना चाह रहे थे। पैदल जा रहे थे क्या मैम? हाँ, ये पैदल जा रहे थे और रेलवे पटरी पे वो थोड़ा रेस्ट करने के लिए लेटे थे, उनको नींद लग गई और ये हादसा हुआ। देश भर में प्रवासी मजदूरों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। देश के अलग अलग हिस्सों से अभी भी मजदूर फंसे हुए हैं और पैदल ही अपने घरों के लिए निकल पड़े हैं। गुजरात के वलसाड़ में प्रवासी मजदूरों को रोक दिया गया। राजस्थान के कई जिलों से पैदल ही घर की तरफ चल पड़े मजदूरों की भी तस्वीर सामने आई है। दरअसल गुजरात के वलसाड़ बॉर्डर पर मजदूर इस वजह से फंस गए हैं क्योंकि राजस्थान ने अपने सभी बॉर्डर सील कर दिए हैं। इसलिए राजस्थान सरकार ने गुजरात से मजदूरों को बॉर्डर पर ही रोकने की गुजारिश की है, जिसके बाद से मजदूर हंगामा करने लगे। राजस्थान सरकार, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन।
मुंबई में प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश जाने के लिए पैदल ही निकल पड़े हैं। कोविड 19 वायरस के चलते पिछले करीब डेढ़ महीने से पूरे देश में लॉकडाउन है। ऐसे में इन दिहाड़ी मजदूरों को कोई काम नहीं मिल रहा है। अब ये लोग किसी भी हालत में अपने घर पहुंचना चाहते हैं। माँ लक्ष्मी से निकले हुए हैं, उड़ाला तक पहुंचे अभी 4 घंटे हो गए सर, अभी हम लोग को ट्रेन नहीं मिल रही है, इसके लिए अभी जो है हम लोग पैदल इलाहाबाद तक जाएंगे। हम लोग फॉर्म भी भर के दिए, उसमें भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, और जो है तो हम लोग मजबूर होके, हम लोग को ना खाना मिलता है ना पानी मिलता है, हम लोग मजबूरी से, अभी हमारा उम्र भी 40-45 साल का 48 साल हो गया, अभी हम चल नहीं पा रहे, लेकिन फिर भी मजबूरी है गवर्नमेंट की ये कमी की वजह से हम लोग सर पैदल जा रहे हैं, क्या करें। मुंबई कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है और उसी मुंबई में 2 अस्पतालों से ऐसा वीडियो सामने आया जिसे देखकर कोई भी हिल जाएगा। मुंबई के सायन अस्पताल के कोरोना वार्ड में मरीजों के बीच कई शव रखे थे। शवों के बीच मरीजों का इलाज किया जा रहा था। मरीजों की कोरोना से मौत हुई थी लेकिन उनकी डेड बॉडी को अस्पताल के बेड से हटाया नहीं गया। ये वीडियो जब वायरल हुआ तो हड़कंप मच गया। लोगों के साथ साथ विपक्ष के नेता सवाल पूछने लगे, आखिर क्यों मुंबई के अस्पताल से शवों को नहीं हटाया गया। देखिए कैसे अस्पताल के बेड पर पड़े हैं शव और वहां मरीज भी हैं। ये वीडियो मुंबई के कपूर अस्पताल का है। कैसे ये वीडियो आने के बाद बीएमसी से जवाब नहीं देते बन रहा है, ये आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले देखिए हमारे रिपोर्टर राजीव सिंह की रिपोर्ट। मुंबई के सायन अस्पताल के एक वार्ड के अंदर का वीडियो वायरल होने के बाद में अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। दरअसल इस वीडियो में जो तस्वीरें दिख रही थी वो वाकई हैरान कर देने वाली थी, क्योंकि वार्ड में कुछ मरीज जहां बेड पर लेटे हुए थे वहीं बगल में एक कोविड-19 पेशेंट की डेथ हुई थी और उसकी डेड बॉडी मौजूद थी, इस तरह का दावा वीडियो में किया गया था। इस वीडियो के सामने आने के बाद में अस्पताल प्रशासन ने इस मामले में 24 घंटे के अंदर कमेटी नियुक्त करके सच्चाई को सामने लाने की बात कही है और ये भी कहा कि अगर इस मामले में सत्यता साबित हुई तो जो दोषी लोग होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं विपक्षी पार्टियां भी इस मुद्दे को लेकर अब बीएमसी को घेरने लगी हैं कि आखिर कोविड-19 जैसे महामारी के समय अस्पतालों में इतने बड़े पैमाने पर क्यों लापरवाही बरती जा रही है। सबसे अहम बात यह है कि इस तरह के वीडियो वायरल होने के बाद अस्पताल प्रशासन के कारभार को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। लापरवाही का वीडियो आने के बाद बीजेपी ने सवाल उठाया तो मुंबई की मेयर ने कहा कि दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। एक कार्यकर्ता एक फैमिली को लेके सायन हॉस्पिटल में गया था, वार्ड नंबर 5 में, करीब करीब 4 घंटा उधर वो लोग थे और जो वो वार्ड में उन्होंने जो कोई परिस्थिति वहां देखी, जैसे जो आपने वीडियो में भी देखी होगी कि किस तरीके से पेशेंट और डेड बॉडी साथ में रखे उधर पूरा हॉस्पिटल चलाया जा रहा है। सायन हॉस्पिटल सबके लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वो धारावी को लग के है, मुंबई का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है मुंबई महानगर पालिका का, और वो हॉस्पिटल में अगर इस तरीके का अगर ट्रीटमेंट लोगों को दी जा रही है तो मुंबई महाराष्ट्र में क्या परिस्थिति है वो आपको सही मायने में वो वीडियो के माध्यम से दिख रही होगी। जो वीडियो आया है वो डेथ बॉडी है ये पता है, ये अपना साहिन का है या वो इसके लिए समिति गठन की गई है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। 30 मिनट के ऊपर वार्ड में अभी बॉडी रखना ही नहीं है, ऐसे गाइडलाइन ऑलरेडी दिया गया है और इसके ऊपर अभी जो समिति सब में गठन की गई है उससे क्या रिपोर्ट आता है। और जैसे डीन सर ने बोला है कि पहले का है कि बाद का है वो भी हम अभी तय करेंगे, और कुछ भी होने दो लेकिन बात सामने आई है तो उसके ऊपर अच्छा सोल्यूशन अभी निकलना चाहिए। मुंबई के ही सायन अस्पताल से कोरोना पॉजिटिव पेशेंट ने भागने की कोशिश की, इसकी सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं। इसमें आप साफ देख सकते हैं कि कैसे पेशेंट ने खिड़की के रास्ते अस्पताल से भागने की कोशिश की, हालांकि इसकी कोशिश नाकाम रही, सिक्योरिटी स्टाफ ने उसे अस्पताल कैंपस से ही पकड़ लिया। लेकिन ये तस्वीरें परेशान करने वाली हैं क्योंकि मुंबई में कोरोना की स्पीड डेंजरस है। यहां पिछले 24 घंटे में 25 मौतें हुई हैं केवल मुंबई में और आप समझ सकते हैं कि खतरा टला नहीं है।
भारत में कोरोना की रफ्तार हर रोज बढ़ती जा रही है। देश में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा भी 56,000 के पार पहुंच गया है और आज एक बार फिर एक दिन में मरने वालों की संख्या 103 पहुंच गई है। देखिए देश के हर बड़े राज्य हर बड़े शहर का कोरोना अपडेट। देश में कोरोना का खतरा दिनों दिन और बढ़ता जा रहा है, विकराल रूप लेता जा रहा है। लॉकडाउन 3.0 के आगाज के साथ ही मानो देश में कोरोना का विस्फोट हो गया। आज कोरोना के केस 56,000 को पार कर गए हैं, जबकि करीब 1900 मौत हुई है। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक आज देश में कोरोना के केस 56,342 हो गए हैं और कुल मौत 1,886 हुई है। पिछले 24 घंटे में 3,390 नए केस आए हैं और 103 मरीजों की मौत हुई है। लेकिन जिस खबर से खतरा और बढ़ रहा है वो ये है कि अभी कोरोना का पीक आना बाकी है। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया के मुताबिक कोरोना का पीक जून में आ सकता है। अगर आप देखें, ये मैंने नहीं कहा, ये मॉडलिंग डेटा से, कई लोगों ने मॉडलिंग की है, मॉडलिंग डेटा के हिसाब से ये है कि जैसे जैसे केसेस बढ़ रहे हैं उसके हिसाब से ये लाइकली है कि जो हमारी पीक है वो जून जुलाई में आ सकती है। लेकिन इस पे कई और चीज़ें वेरिएबल्स हैं जो टाइम समय से पता चलेगा कि वो कितनी इफेक्टिव हैं, जैसे लॉकडाउन का और असर जो एक्सटेंड हुआ है उसका कितना असर और क्या जो चीज़ें हैं उसमें क्या इफेक्ट होगा। लेकिन अगर आज का डेटा देखें तो उसमें यही लगता है कि जो पीक है वो जून जुलाई में आ सकता है। ये तो आगे ही समय ही बता पाएगा, लेकिन जैसे जैसे हम डबलिंग टाइम देख रहे हैं तो नंबर ऑफ केसेस बढ़ने के चांसेस तो हैं। देखिए, ये तो सारे जो मॉडलिंग है ये साइंटिस्ट लोग और बड़े बड़े जो हमारे साइंटिस्ट हैं डॉक्टर्स हैं वही बना, और पहले भी मॉडलिंग की थी, मैथमेटिकल मॉडलिंग की थी। उस मॉडलिंग के हिसाब से, क्योंकि लॉकडाउन था इस वजह से या जो भी है, तो अभी उस मॉडलिंग के हिसाब से केसेस जितने प्रेडिक्ट किए थे उससे थोड़ा कम है। और अगर वो कह रहे हैं कि जून में पीक आएगा और जून के बाद खत्म होगा तो हो सकता है, क्योंकि बाकी देशों का पैटर्न भी कुछ इसी तरह से रहा है। कोरोना का डेथ मीटर आपको दिखाते हैं। देश के चार राज्यों में सबसे ज्यादा केस है। महाराष्ट्र में अभी तक 694 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं गुजरात में मौत का आंकड़ा 425 पहुंच गया है। मध्य प्रदेश में 196 लोग कोरोना के खिलाफ जिंदगी की जंग हार गए। वहीं पश्चिम बंगाल में मौत का आंकड़ा 151 है। महाराष्ट्र ने मौत का एक दिन में नया रिकॉर्ड बनाया है। एक दिन में कुल 43 मौत हुई। मुंबई में एक दिन में कोरोना संक्रमण के 692 नए मामले सामने आए और 25 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। गुरुवार को मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में कुल 43 लोगों की मौत कोरोना के चलते हुई। इसके साथ ही महाराष्ट्र में मृतकों का आंकड़ा 694 तक पहुंच गया, जबकि अकेले मुंबई में ही 24 लोगों की मौत गुरुवार को दर्ज की गई। इसके साथ ही मुंबई में मृतकों का आंकड़ा 437 तक पहुंच गया। लगातार कोरोना के बढ़ते मामले मुंबई और महाराष्ट्र प्रशासन के लिए एक चिंता का सबब बनता जा रहा है। गुरुवार को पूरे महाराष्ट्र में जहां 1216 कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आए, वहीं अकेले मुंबई में ही 692 केस सामने आए। जाहिर बात है कि जिस तरह से कोरोना का ग्राफ मुंबई और महाराष्ट्र में बढ़ रहा है वो प्रशासन के लिए एक चिंता का सबब बनता जा रहा है। मुंबई और उसके आसपास के जो दूसरे शहर हैं वो भी कोरोना की चपेट में हैं। मुंबई के पास ही नवी मुंबई, रायगढ़, ठाणे, पालघर जैसे जो इलाके हैं वो भी रेड जोन के अंतर्गत ही आते हैं। यहाँ पर भी लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। जाहिर बात है कि इस तरह से आर्थिक राजधानी मुंबई और उसके आसपास के शहरों में जिस तरह से कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं अब राज्य सरकार के सिर का दर्द बन गया है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कोरोना संक्रमित के केस 5,980 हो गए हैं, वहीं मौत का आंकड़ा 66 पहुंच गया है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर तकरीबन 6,000 लोग संक्रमित हुए हैं और 66 लोगों की मौत भी हो चुकी है। लेकिन जिस तरह से सरकार लगातार लोगों से अपील कर रही है तो वो सहयोग सरकार को नहीं मिल रहा है और दिल्ली में संक्रमण दर जो है वो पिछले दिनों की तुलना में दोगुनी हो चुकी है। दिल्ली में आप सड़कों की तस्वीर कुछ अलग नजर आ रही है, काफ़ी ज़्यादा हलचल देखने को मिल रही है, क्योंकि बीते दो लॉकडाउन के दौरान सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ नजर आता था। लेकिन अब तीसरे लॉकडाउन में थोड़ी रियायत देने के बाद जो सरकारी ऑफिसेज हैं और साथ ही जो निजी ऑफिसेज हैं उनके खुलने के बाद सड़कों पर गाड़ियां दौड़ती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि
दिल्ली में जो जांच प्रक्रिया है उसे भी काफी तेज कर दिया गया है। अब तक 77,000 टेस्ट किए जा चुके हैं, ऐसे में मामले भी काफी तेजी से सामने आ रहे हैं। लेकिन सरकार लगातार लोगों से अपील कर रही है कि वो जरूरत होने पर ही घर से बाहर निकले, अगर वो घरों में रहेंगे तभी सुरक्षित रहेंगे। ऐसे में इंडिया टीवी भी लोगों से यही अपील कर रहा है कि उस सरकार और प्रशासन को सहयोग करें। गुजरात में कोरोना संक्रमण के मामले 7,012 पहुंच गए हैं, मौत का आंकड़ा 425 है। तमिलनाडु में 5,409 लोग कोरोना संक्रमित हैं, 37 लोगों की मौत हो गई है। राजस्थान में कोरोना के केस 3,427 हो गए हैं, यहां 97 लोगों की मौत हुई है। वहीं उत्तर प्रदेश में 3,071 केस है, 62 लोगों की मौत हो गई है। एक तरफ जहां लॉकडाउन 3.0 में सरकार ने आम जनता को थोड़ी राहत दी है, तो वहीं कोरोना की बढ़ती रफ्तार परेशानी का सबब बन गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज एक बार फिर कोरोना संकट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल गांधी ने लॉकडाउन की वजह से आ रही मुश्किलों और मजदूरों को लेकर सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए। ये क्रिटिसाइज करने का टाइम नहीं है और मैं क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। जो जिस सिचुएशन में हम अब हैं, उस सिचुएशन से हमें आगे बढ़ना है और निकलना है। एक प्रकार से लॉकडाउन हुआ नहीं हुआ वो सब ठीक है, उसकी जगह है, वो हो गया है, वो पास्ट में है, मगर अब खोलने की स्ट्रेटजी की जरूरत है, पैसे की जरूरत आज है। माइग्रेंट्स को पैसा आज देना है, सपोर्ट आज देना है, गरीब लोगों को आज पैसा देना है, और जो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज हैं उनको आज मदद करनी है, कल नहीं परसों नहीं, आज। क्योंकि अगर हमने आज नहीं मदद की तो जो जॉब लॉसेस हो रही हैं वो सुनामी बन जाएंगी। देखिए फ्रेंकली अगर आप मुझे पूछें, देखिए प्राइम मिनिस्टर की स्टाइल है और वो उसकी जगह है, वो उनके उनका तरीका है, उनका स्टाइल है, मगर ऐसी घटना में मुझे एक स्ट्रांग लीडर के बजाय बहुत सारे स्ट्रांग चीफ मिनिस्टर, एक स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर और बहुत सारे स्ट्रांग डीएम्स, बहुत सारे स्ट्रॉन्ग कलेक्टर्स चाहिए। अगर इस लड़ाई को हम पीएमओ में रखेंगे तो लड़ाई हारी जाएगी। तो प्राइम मिनिस्टर को पावर डिवॉल्व करना पड़ेगा, प्राइम मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर्स पर भरोसा करना पड़ेगा और चीफ मिनिस्टर्स को डीएम्स पर भरोसा करना ही पड़ेगा। और अगर हमने सेंट्रलाइज किया तो फिर कैलामिटी होने वाली है। फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही, हम कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। नमस्कार।